दिन दहाड़े फतुहा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 के पास दूध विक्रेता को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। गोली की आवाज पर आसपास में हड़कंप मच गया है। बता दें कि युवक के सिर के साथ साथ सीने में भी गोलियों के निशान पाए गए हैं। मृत युवक की पहचान पटना मंझौली के रहने वाले फग्गू यादव के रूप में किया गया है। मृतक फग्गू यादव मंझौली पटना से दूध लेकर ट्रेन से फतुहा स्टेशन उतरा था, बताया जा रहा है। जिसके बाद युवक दूध का कंटेनर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रखा, ठीक उसके बाद घात लगाया अपराधियों ने उसे दौड़ाकर गोली मार दी और गोली मारकर हत्या कर उस समय मौके से वहां से फरार हो गए। बता दें रेलवे पुलिस को बड़ी चुनौती मिली है और दिन दहाड़े इस हत्या से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया है। फिलहाल फतुहा रेलवे पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। ये रेलवे स्टेशन परिसर में हत्या का मामला, क्या है ये मामला और कैसे घटी घटना? आज प्रातः 9:15 के करीब प्रांतक्ष फतुहा द्वारा सूचना मिली कि रेलवे यार्ड में गोली चली है। इस सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में निर्देश देते हुए मैं स्वयं जब घटनास्थल पर आया तो पता चला कि स्टेशन परिसर में गोलीबारी की घटना हुई। इसमें हम लोग थाना पर जा करके GRP थाना पर जा करके कांड को प्राथमिकी रूप से चेक किए, जाँच किए, जांच में अभियुक्त का और मृतक का नाम पता मालूम किए और इसमें जो घटना हुई है इस संदर्भ में हम लोग फतुहा जो यार्ड वाला एरिया है वो फतुहा थाने के अंतर्गत है जो हमारे क्षेत्राधिकार में आता है, इसमें चौकसी बढ़ा दी गई है। रेगुलर जांच हालांकि किए जा रहे थे फिर भी हमने कड़ाई से जांच करने और फतुहा यार्ड की सुरक्षा के लिए जिस प्रबंध कर रहे हैं। जिनकी हत्या हुई है उनका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? उनका नाम फग्गू है और ये सालिमपुर के मझौली के रहने वाले हैं।